कंफ्यूज रहती हूँ कि बकास कम या ज़्यादा ना। ये कह रहे हैं कि इमरान सर की शायरी बहुत अच्छी है, तो ये शायरी इनको पसंद है इमरान सर। हाँ, मैं हैरान हूँ कि शायरी इनको, लेकिन वो एक्चुअल में जो अपने टीवी शोज भी करता था तो उसमें शायरी का बड़ा जिक्र काफ़ी किया भी हमने इस शो में भी, तो मैं खुद भी रेडियो करता रहा हूँ काफ़ी ऐसे, और अभी तो आवाज़ के वॉइस ओवर्स और डबिंग और ये सारे टैगलाइंस वगैरह हम करते रहते हैं, तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। आपकी तो खुद आवाज़ की जरिए आवाज़ को इस्तेमाल करना, उसके अप्स एंड डाउन उसको यूज़ करना, जो अलग रहने वाली गले में वोकल कॉर्ड्स दिए हैं उनको यूज़ करना, वो बड़ा मज़े का। मैं तो ये भी सीखने का मौका मिला तलत भाई के साथ मिली, बहुत तलत हुसैन भाई के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है, तकरीबन 22 साल से मेरा उनका रहा है, बहुत अच्छी दोस्ती है। और अभी जब भी वो कुछ टेंशन में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो मेरे स्टूडियो फ़ोन करते हैं सुबह कहाँ पर 10-11 बजे, मैं तो बस निकल रहा हूँ, बस तो पहुँच में आ रहा हूँ, स्टूडियो आ जाते हैं, बैठते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं, उनसे सब कुछ काम वाम रोक के तलत भाई से बातें करता हूँ, उनसे सीखता हूँ बहुत कुछ। तो ये 22 साल से ये सिलसिला जारी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे दिलीप भाई हमारे हैं, उनके साथ बहुत टाइम गुजारा, उनसे सीखने को मिला। ये सब रेडियो के आर्टिस्ट हैं और रेडियो के आर्टिस्टों को ही सही ट्रेनिंग दी जाती थी उस दौर में, आवाज़ को किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आगे दिलीप हो गए, सुहेल अख्तर हो गए, तलत हुसैन साहब हो गए, सीएम मोहिद्दीन साहब के साथ भी काम किया और उनसे सीखने को मिला, तो फिर शौक पड़ गया कि अपनी आवाज़ को भी यूज़ किया जाए। तो फिर अलहमदिल्ला काफ़ी सारे वॉइस ओवर्स, सिंगल्स, कमर्शल और फिर रेडियो शो भी किया, तो बहुत उससे ज़्यादा सीखने को मिला, तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर अपनी शायरी पढ़ रहे हैं आप अपनी आवाज़ में, क्योंकि आपको अपनी शायरी पे जो कमांड होती है, पता होता है क्या सोच के क्या, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, रेडियो आपने खुद ही बता दिया अपनी गुफ्तगू में कि रेडियो भी किया। जी जी, रेडियो मैंने कहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, मैंने 32 महीने किए रेडियो में शो किए, तो वो और अगर मैं अपने ये 30 साल के एक्सपीरियंस को रखूँ तो 32 महीने में जितना मैंने इन्जॉय किया और जितने मेरे फैंस बने, जितनी मुझे मुझे फीडबैक हुई, मैसेजेस आए, कॉल आए, वो इस 30 साल में नहीं आई जितनी 32 महीने। और सीखने को भी मुझे लगता है रेडियो सबसे बेहतरीन, रेडियो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो हमारी मदर है ये, बिल्कुल सब कुछ जो निकला है पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान, जितने भी हमारे मुल्क के आज बड़े बड़े स्टार हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, वो यहीं से इन्हीं इदारों से बन के निकले। और टीवी से पहले भी रेडियो, क्योंकि सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान, तो जो मदर हम अगर देखा जाए आवाज़ की, एक्टिंग की, डायरेक्शन की, पूरी हमारे फैमिली का भी इतने भी शोबे हैं, उनकी जो मदर है वो रेडियो पाकिस्तान है, यहीं से सब। तो अब शायरी की बात क्योंकि हो गई, तो कोई शायरी आप सुनाएंगे? जी बिल्कुल, मैं अपना एक 4 लाइन सुनाता हूँ। आवाज मुझको मेरे जुनून में अमल नहीं, आवाज मुझको मेरे जुनून में अमल नहीं, शायरी मिजाज के रद्द बदल, आवाज मुझको मेरे जुनून में अमल ने दी और शायरी मिजाज के दर्दो बदल ने दी। अपना हरम तो तुमने बनाया है शानदार, अपना हरम तो तुमने बनाया है शानदार, और मेरी झोंपड़ी भी सहरा हो जाए। अरे क्या बात है, क्या बात है, ये तो मतलब थोड़ी सीरियस किस्म की लग रही है। हाँ, मतलब इसमें म्यूजिक भी आ गया, शायरी भी आ गई, और वो एक जो खास शो होता है शायरी सुन के हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कोई याद ताज़ा हो जाए या सैड फील करे, तो वो भी आ गया। अच्छा, शायरी में मिजाज यही सैड थोड़ा ज़्यादा सैड शायर जो होते हैं शायर वो तनाई पसंद तो होते हैं, लेकिन अब थोड़ा मुझे नज़र आता है कि कुछ शायरी में भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा अलग अलग मिजाज हैं, तो सिर्फ सीरियस शायरी नहीं हो रही है, सब कुछ